फ्रेंड्स, डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। और आज मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं लखनऊ एयरपोर्ट जा रही हूँ, अमरसी एयरपोर्ट। और कहाँ जा रही हूँ तो चलिए मेरे साथ चलें और देखते हैं कि मैं लखनऊ एयरपोर्ट से कहाँ जा रही हूँ। ये अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और अभी नाइट कर्फ्यू है, तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन अभी देखते हैं, कहीं ना फिर अगर रोकी जाती गाड़ी तो मैंने अपनी कैब बुलाई है और उस कैब से मैं जाऊँगी लखनऊ एमसी एयरपोर्ट। अभी इतना जाम लगा हुआ था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और लॉकडाउन लगा हुआ था नाइट कर्फ्यू, और अभी ट्रक का खुला हुआ है, अभी खुला है 6 बजे, पूरा जाम लगा हुआ है, अभी खुला है। आगे गंगा जी का पुल, गंगा जी का पानी काफी कम हो गया है। आ गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट और हमारी फ्लाइट है यहाँ से नई दिल्ली के लिए। तो अभी हम है ना देखेंगे कितने बजे फ्लाइट है हमारी, और अभी हम बोर्डिंग पास लेंगे, देन आफ्टर है ना वेट करेंगे, उसके बाद हमारे जब हम जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। आई डोंट नो, और मेरी बहन भी जा रही है। अब बताइए एयरपोर्ट पे आ गई, कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली। हाँ, कौन सी फ्लाइट है हमारी? हमारी फ्लाइट आई गेस इंडिगो फ्लाइट है। और डिपार्चर टाइमिंग क्या है? डिपार्चर टाइमिंग अराउंड 9:30। ओके, अभी हमने बोर्डिंग पास ले लिया है और अब हम अपना हैंडबैग जो है वो चेकिंग कराएंगे और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा ना बोर्डिंग पास और सब निकल आया है, अब हम अपनी फ्लाइट का वेट करेंगे और
हमारा गेट नंबर 5 है जाने के लिए, तो हम गेट नंबर 5 से जा रहे हैं। देखिए ओके, दिस इज गेट नंबर 5 एंड हम इनसे पूछते हैं सिस्टर से कैसा लग रहा है हमको, कितने दिन बाद फ्लाइट से जा रही हैं, पहले भी आप गई हैं लॉकडाउन के बाद? हाँ, लॉकडाउन के बाद मैं गई हूँ और अभी दिवाली से पहले ही हम गए थे और अभी फिर से फ्लाइट फिर से ट्रैवलिंग हो रही है। और ना पहले और अब में क्या डिफरेंस है? कुछ चेंजेस, क्योंकि अब फिर से लॉकडाउन लग गया है, वो एटलीस्ट नाइट कर्फ्यू लग गया है। हाँ, नाइट कर्फ्यू लग गया है तो आप नाइट में कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपको मॉर्निंग की फ्लाइट है तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अपना इसके अकॉर्डिंग। बाकी सब सेम ही है जैसे पहले कोविड के रूल्स वगैरह। अभी हम यहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं, अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और हमने थोड़ी सी भूख भी लगी है, सुबह का 8 बजे का टाइम है और हमने अपने लिए ये वाओ के मोमोज, फ्राइड मोमोज और चाइनीज़ भेल मंगाई है ली है और अभी उसका हम टेस्ट करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पे। ये हम फ्राइड मोमोज का टेस्ट बता रहे हैं कैसा है यहाँ पे, पनीर फ्राइड मोमोज हैं। ये पिछला वो सभी यात्रियों के लिए है जो कि इंडिया को उड़ान भर किया देखिए दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, और खा के देखते हैं, प्रस्थान करें, धन्यवाद। भेल खा के देखते हैं, चाइनीज भेल है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अच्छी है, गुड। इसमें मास्क है, सैनिटाइज़र है और ये आपको लगाने के लिए है, जिसमें जिसमें ये शील्ड दी गई है, ये देखिए, और इसको है ना, इसको लगा के इसमें पॉलीथीन सी लगी रहती है पतला सा, इसको रिमूव करके फिर इसके ऊपर लगाना रहता है। बहुत लोग लगाते हैं और ये सैनिटाइज़र दिया गया है सब लोगों का और एक मास्क दिया गया है, इसको ऐसे लगाते हैं। एक मतलब ये और लग रहा है कि एक और है इसमें, वो भी रिमूव कर दूँ, उनके साफ दिखेगा नहीं, ये एक और चीज़ है, इस तरह से रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर लिया है, अब इसको ऐसे लगा लेंगे। और हमारा उसका टाइम हो गया है और ये देखिए हमारी फ्लाइट भी लग गई है, अब हम फ्लाइट के अंदर जाएंगे
और यहाँ पे देखा है इंडिगो की सीट भी खाना है। के अंदर आ गए हैं और अपना लगेज भी रखेंगे। सीट नंबर, दिस इज माय सीट नंबर 29B। यस ओके थैंक यू थैंक यू। अभी हम अपने दिल्ली के लिए फ्लाइट में बैठ गए हैं और ये मेरा फ्लाइट है इंडिगो में और विंडो सीट मुझे मिली है और अब हम एक घंटा या डेढ़ घंटे में हम अभी इस वक्त शायद 9:30 बजने वाला है, एक घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर हम आपकी दिल्ली में आपसे फिर से बात करेंगे। फेस मास्क जरूर उतार लें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुँच सकते हैं।
अभी मैं नई दिल्ली एयरपोर्ट में आई हूँ टर्मिनल 2 पे, और मुझे देहरादून जाना है, तो देहरादून की फ़्लाइट पकड़नी है। और 2:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और 1-2 घंटे में पहुँचाएगी फ़्लाइट। तो तब तक मुझे यहाँ 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त 10:30 बजे है और मैं जल्दी आ गई हूँ। आप देहरादून जा रही हैं? ओके, इन किस फ्लाइट से जा रही हैं? इंडिगो। कितने बजे की फ़्लाइट है? 1:40। ओके, और कब तक पहुंचाएगी दिल्ली, वो देहरादून? ओके, अभी हम गेट से एग्जिट, हम यहाँ पे आ गए हैं गेट नंबर 1 पे अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट में पतंजलि के भी शॉप लगी हुई है, बोर्डिंग टाइम हो गया है देहरादून के लिए, और हम देहरादून जाएंगे और आपको फ्लाइट में भी दिखाएंगे कि हम कैसे है ना यहाँ पे गए। अभी आपको मील दिखाया था, और इस वक्त बज रहा है 1:45, और फिर 2:30-2:15 आधा घंटे में डिपार्चर हो जाएगा टाइमिंग, और 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे देहरादून। चलिए,
देहरादून एयरपोर्ट पर। फाइनली हम देहरादून एयरपोर्ट आ गए हैं। बिल्कुल 35 मिनट्स का टाइम लगा था और थोड़ा सा प्लेन डगमगाया था और काफ़ी डगमगाया था, हमें भी थोड़ा डर लग रहा था। चलिए अब हम यहाँ से अपने लिए कैब पकड़ते हैं देहरादून के लिए। वो देहरादून तो हम आ चुके हैं, यहाँ से कैब पकड़ते हैं हरिद्वार जाने के लिए। अभी है ना, मैंने कोविड का रिपोर्ट कराया था पहले, लेकिन वो आया नहीं, तो मुझे यहाँ देहरादून एयरपोर्ट में कोविड टेस्ट कराने को यहीं से मिलेगा। अगर आप कोविड रिपोर्ट नहीं लेके आए या कोविड का टेस्ट नहीं कराया है तो देहरादून एयरपोर्ट में भी कोविड टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका है ना 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।